नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन मंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको द सीक्रेट ऑफ गोल्ड स्काल्पिंग, गोल्ड स्काल्पिंग का सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। आज हम सबसे बेस्ट 5 मिनट गोल्ड स्काल्पिंग स्ट्रैटेजी सीखेंगे और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस 5 मिनट गोल्ड स्काल्पिंग स्ट्रैटेजी को देखने के बाद गोल्ड स्काल्पिंग पर आपको दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज का स्ट्रैटेजी पर हम सिर्फ 3 मूविंग एवरेज यूज करेंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ इंडिकेटर पर जाते हैं, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। अगर आप MT4 से करते हैं तो भी वहाँ आप मूविंग एवरेज लगा सकते हैं EMA। तो यहाँ पर हम 3 EMA लिखते हैं। 3 EMA लिखने के बाद आप ये इसको क्लिक कर सकते हैं। ऐसा करने से हम एक ही इंडिकेटर पर 3 मूविंग एवरेज लगा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर और भी इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं अपने स्ट्रैटेजी में तो वो 2 भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ सेटिंग पर जाते हैं, पहला EMA होगा 7 पीरियड का और दूसरा होगा 14 का और तीसरा होगा 21 का, 7, 14 और 21। उसके बाद हम यहाँ स्टाइल पर जाएंगे। यहाँ 10, 50 और 200 का बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन हमने ये जो सेट किया है ये आएगा, इसको हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ से कलर हम चेंज करते हैं तो बाई के लिए इसी को रहने देते हैं, मतलब छोटा मूविंग एवरेज जहाँ पर हम बाई सिग्नल लेंगे। इसका थिकनेस बढ़ाते हैं और ये जो ओपेसिटी है इसको हम 100% करते हैं। दूसरा कलर चेंज करते हैं, इसको हम येल्लो करते हैं और ये तीसरा को भी हम यहाँ पर टिक करते हैं तो आ जाएगा। ये ठीक है, रेड है, ठीक है, नहीं होगा तो आप यहाँ से रेड कर लीजिएगा ताकि हमें पता चले कि जो ऊपर रहेगा वो रेड का रहेगा, बीच में रहेगा 14 पीरियड का वो येल्लो है और ये ग्रीन या ब्लू, आप कोई भी थोड़ा ब्लू रखते हैं थोड़ा ज़्यादा हमें दिखेगा, इसको हम थोड़ा ब्लू कर देते हैं। तो हम इस पर सिग्नल लेंगे, ये छोटे 7 पीरियड का जो EMA होगा उस पर हम सिग्नल लेंगे। तो सिग्नल कैसे कंडीशन पर लेना है ये समझते हैं। ये लाइन क्रॉस करने के बाद ये पैरेलल होना चाहिए, जहाँ पर आपको 3 लाइन नीचे रेड, उसके बीच में येल्लो यानी 21 का, 14 का और 7 पीरियड का इस तरह पैरेलल होता है तो वहाँ पर सिग्नल हमें देखना है। तो जब भी ये यहाँ से क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद हमें 3 कैंडल्स इस लाइन को टच नहीं करना चाहिए, जो ऊपर वाला लाइन है उसके ऊपर कैंडल्स होंगे तो 3 कैंडल्स टच नहीं करना चाहिए, टच नहीं करता है, उसके बाद हमें सिग्नल लेना है। 4 कैंडलस्टिक पैटर्न लेना है बाई के लिए। पहला होगा बुलिश एंगलफिन, दूसरा होगा हैमर, तीसरा होगा इन्वर्टेड हैमर और चौथा होगा पीरसिंग पैटर्न बाई के लिए, और सेल के लिए होगा बेरिस एंगलफिन, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन और डार्क क्लाउड कवर। ये 4 पैटर्न पर हमें बाई और सेल करना है। तो बाई के लिए पहला कंडीशन, हमें बुलिश एंगलफिन चाहिए 3 कैंडल गैप होने के बाद। 1, 2, 3, 4, 5 कैंडल्स गैप थे, इसको टच नहीं किए थे। एटलीस्ट 3 कैंडल जब टच नहीं करता है उसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नल देखना है, या बुलिश एंगलफिन या हैमर, इन्वर्टेड हैमर या पीरसिंग पैटर्न। ये बुलिश एंगलफिन था तो ये बुलिश एंगलफिन बनते ही हमारा यहाँ पर बाई सिग्नल होगा। नेक्स्ट कैंडल में थोड़ा सा लो 7 पीरियड का मूविंग एवरेज है, इससे रिजेक्ट होने के बाद थोड़ा पुल बैक के लिए नीचे आता है तो थोड़ा सा हमें नीचे ट्रेड लेंगे तो वहाँ पर थोड़ा हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। ऐसे कंडीशन पर हम यहीं पर लेके देखते हैं, यहीं पे जहाँ कैंडल क्लोज होगा थोड़ा सा स्प्रेड का जितना आप नीचे ट्रेड ले लीजिएगा और SL रखिएगा। ये 2 कैंडल्स में जिसका लो ज़्यादा है उसके नीचे का SL रखिएगा और ये कैंडल एवरेज होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए। तो हमने थोड़ा नीचे का SL रखा और टारगेट आपको 1:1.5 का रखना है। ये स्काल्पिंग है, स्काल्पिंग हमें छोटे टाइम फ्रेम पर
जल्दी निकलना चाहिए, इसलिए हम ये स्काल्पिंग यूज़ करते हैं 1:1.5 का। ये आज का है, यहाँ प्राइस लाइव चल रहा है। ये स्ट्रैटेजी को समझिए, ये स्ट्रैटेजी देखने के बाद आपको दूसरा स्ट्रैटेजी देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मैं ट्रेड करता हूँ इस पर, मैं रिसर्च करने के बाद ही ये वीडियो बना रहा हूँ। और नीचे यहाँ क्रॉस करने के बाद तीन देखना है, तीन नहीं थे, दो थे, यहाँ पर तीन कहाँ पर टच नहीं होकर हो रहे थे, 1, 2, 3 यहाँ पर हुआ है। ये बुलिश एंगलफिन देखिए, ये भी बुलिश एंगलफिन हुआ। यहाँ पर तीन कैंडल्स होने के बाद इसको टच करने आना चाहिए, बुलिश एंगलफिन तो है, यहाँ पर टच किया था, टच करके ऊपर गया था, तो ये टच नहीं किया है, ये सिग्नल नहीं है। हम आज का देखते हैं, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम है, आज जो सिग्नल्स बने कैसे बनते हैं ये देखते हैं। सेल के लिए बेरिश एंगलफिन होगा, देखिए ये बेरिश एंगलफिन है, यहाँ पर तीन टच नहीं थे, टच नहीं होने के बाद इसने हमें यहाँ पर शूटिंग स्टार था, शूटिंग स्टार का भी हम सिग्नल लेते हैं, चार पैटर्न में एक शूटिंग स्टार भी है। ये शूटिंग स्टार बनने के बाद थोड़ा सा पुल बैक के लिए ऊपर जाते ही हमें यहाँ पर सेल लगाना है, इसका जो हाई होगा थोड़ा सा ऊपर का एसएल लगाना है, और 1:1.5 का टारगेट रखना है। हमने 1:1.5 का टारगेट रखा, ये दो सिग्नल्स हुए। उसके बाद तीन हमें पहले देखना है, तीन कैंडल्स टच नहीं होना चाहिए मूविंग एवरेज को, यहाँ पर टच थे, ये थोड़ा सा टच जैसा है, देख लेते हैं, हाँ ये टच नहीं है, हम इस तरह से इसको बढ़ा के जूम करके देख सकते हैं, 1, 2, 3, तो ये टच नहीं था। यहाँ पर हमें शूटिंग स्टार मिला, यहाँ पर हमें शूटिंग स्टार मिला, ये देखना है आपको 21, 14 और 7 पीरियड का, इस तरह सिक्वेंस में होना चाहिए। पोजीशन लेंगे यहाँ से, तो हमारा यहाँ थोड़ा सा पुल बैक पर हमारा यहाँ पर सेल होगा, जस्ट थोड़ा सा ऊपर का टीपी, 1:1 का ये टारगेट होगा, ये हुआ परफेक्ट सिग्नल। ऐसे जिग जैग में आपको सिग्नल ही नहीं मिलेगा, लाइन भी नहीं देखने की ज़रूरत है, तीन लाइन जब भी तीन कैंडल्स इस तरह तीन कैंडल्स इसको छोड़ देगा तो वहाँ ये पैरेलल हो जाएगा, ये पैरेलल भी देखना नहीं ज़रूरत है आपको, तीन कैंडल्स देखना है जहाँ पर ये छोड़ देता है, यहाँ पर कहीं नहीं था बीच में जिग जैग में, वैसा होगा ही नहीं, तो यहाँ पर था 1, 2, 3 कैंडल था, ये बुलिश एंगलफिन था, बड़ा था, बड़े में हमें नहीं करना है, एवरेज चाहिए। उसके बाद तीन कैंडल्स देखना है, 1, 2, 3, उसके बाद टच करने यहाँ आया, उसके बाद यहाँ पर बुलिश एंगलफिन बना, तो ये हमारा सिग्नल था। थोड़ा सा पुल बैक पर हम यहाँ पर ट्रेड लगाएंगे, इस ये थोड़ा सा नीचे का एसएल होगा, 1:1.5 का टारगेट होगा, जो हमें यहाँ पर इसने भी पॉजिटिव दिया, ये बुलिश एंगलफिन बना था, एवरेज होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर तीन कैंडल्स ने छोड़ दिया, ये बड़ा बना, ये बेरिश एंगलफिन बड़ा बना, इस पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। उसके बाद तीन को छोड़कर फिर ये सिग्नल बनना चाहिए, तो यहाँ पर तीन कैंडल्स नहीं थे, 1, 2 ही थे, ऊपर भी नहीं थे, यहाँ पर थे तीन कैंडल्स, यहाँ छूटने के बाद बेरिश एंगलफिन यहाँ पर बना, इसको देखते हैं, 1:1.5 का टारगेट इसने हमें दिया कि नहीं शॉर्ट पर। थोड़ा सा पुल बैक जाते ही हमें यहाँ पर ट्रेड लगाना है, और जस्ट इससे थोड़ा सा ऊपर का एसएल रखना है, और 1:1.5 का टारगेट लेना है, तो इसने थोड़ा कम दिया, ये एक लॉस हुआ मान लीजिए। यहाँ पर पैटर्न कोई भी नहीं बना था, हमारा जो चार पैटर्न्स हैं उनमें से कोई नहीं बना था, यहाँ पर 1, 2, 3 को छोड़ा, यहाँ बुलिश एंगलफिन बना, ये इस तरह से देखना है, बहुत इजी है। इसमें मैं आपको अभी टिप्स बताऊंगा, और इसके लिए लो स्प्रेड चाहिए, एक बेस्ट ब्रोकर है उसका मैं अभी आपको बताऊंगा, जिस पर आपको 100% बोनस भी मिलेगा, स्प्रेड भी कम होगा, और 1 महीने के अंदर वो बोनस आपका हो जाएगा। कैसे होगा वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा। ये देखिए 1:1.5 इसने दे दिया, उसके बाद तीन को कहाँ छोड़ा, नहीं छोड़ा, यहाँ पर तीन को छोड़ा था, लेकिन हमें यहाँ बेरिश का सिग्नल नहीं मिला। हमारा जो पैटर्न्स है फोर पैटर्न्स, उनमें से यहाँ कोई भी सिग्नल नहीं बना। यहाँ को तीन को छोड़ा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर छोटा हैमर था, लेग थोड़ा बड़ा होना चाहिए, बॉडी ठीक था, ऊपर थोड़ा सा लेग था, ठीक था बॉडी, ये लोअर लेग जो है हैमर का एटलीस्ट इससे 2 गुना से ज़्यादा होना चाहिए। ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये इन्वर्टेड हैमर बना था, तो यहाँ पर हमारा ये यहाँ पर भी 1, 2, 3 को छोड़ने के बाद इन्वर्टेड हैमर बना, ये लॉन्ग पोजीशन होता, यहाँ पर हमारा बाई होता, इससे थोड़ा सा नीचे का एसएल होता, 1:1.5 का टारगेट होता, तो ये यहाँ हमें यहीं पर इसका टारगेट मिल गया होता। इसके लिए आपको स्प्रेड कम चाहिए,
ज़्यादा स्प्रेड पर करेंगे तो वो नहीं होगा। यहाँ पर इसने तीन को छोड़ा, इसको टच किया, टच करने के बाद ये बेरी सिंगल फिन बना। थोड़ा सा बड़ा था बेरी सिंगल फिन, हमें एवरेज में करना चाहिए, छोटे में करना चाहिए, ज़्यादा बड़ा पर नहीं करना चाहिए। तो ये 30 तारीख आ गया, आज का यहीं तक था, यहाँ भी 30 तारीख था, तो कितना ये 31 आज का था। यहाँ से 1, 2, 3 में ये थोड़ा सा हमें इसने नेगेटिव दिया, थोड़ा सा कम था 1:5 पर। 4, 5, 6, 7 सिग्नल्स मिले, 7 सिग्नल्स में से एक हमें लॉस में दिया। ये सिर्फ इसमें ही नहीं, इसके अलावा अन्य करेंसी पेयर्स पर भी ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। तो ये इन पर भी हम यहाँ कर सकते हैं, यहाँ हम देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर जहाँ पर ये तीन को छोड़ता है, देखिए यहाँ पर हैमर बना, तीन को छोड़ने के बाद हैमर गन बना, मार्केट ऊपर गया। यहाँ पर बुलिश एंगल फिन बना, मार्केट ऊपर गया। किसी में भी काम करेगा, लेकिन अन्य करेंसी पेयर्स पर थोड़ा हम इसे फिल्टर करेंगे, वो आज ये छोटा वीडियो में पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसको थोड़ा सा और फिल्टर करते हैं तो इसका सक्सेस रेट 90% मिलेगा। आज जितना सिखाया ये आपको गोल्ड में करना है, बाकी करेंसी पेयर्स पर मत कीजिए। गोल्ड पर आप अगर करते हैं, देखिए यहाँ पर अभी सिग्नल बनेगा, गोल्ड पर करते हैं तो आपको 80% प्लस सक्सेस रेट मिलेगा। देखिए हैमर बन रहा है, हैमर जैसा बन रहा है। इसके बाद मार्केट, अभी बात करते करते अगर ये होता है तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो इस तरह से ट्रेड करना है। इसके लिए स्प्रेड कम चाहिए, मिनिमम स्प्रेड वाला अकाउंट आपका होना चाहिए, नहीं तो ये स्ट्रैटेजी से आपको प्रॉफिट 5 मिनट छोटे टाइम फ्रेम पर स्कैल्पिंग का ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। तो बेस्ट ब्रोकर कौन सा रहेगा आज के लिए, ये देखिए ये हॉट फॉरेक्स है, HF मार्केट्स है, इस पर आप अकाउंट क्रिएट कीजिए। इसमें 100% क्रेडिट बोनस वाला अकाउंट है, जिसका मिनिमम डिपॉजिट $100 है। वो मैंने यहाँ पर ऊपर आई बटन पर आपको ये हॉट फॉरेक्स पे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं इसका मैं लिंक दिया हूँ, उसको क्लिक करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर भी है, उसमें 100% बोनस कैसे रिसीव करते हैं और उसको 1 महीने के अंदर हम कैसे बोनस को अपना बना लेते हैं। $100 आपका डिपॉजिट होगा तो $100 बोनस मिलेगा, और $100 का डिपॉजिट पर आप अगर 50 लॉट्स ट्रेड करते हैं तो वो $100 जो मिला है वो भी आपका हो जाएगा, विड्रॉ कर पाएंगे। और उसके लिए स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी से ही होगा, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी से बहुत समय लगेगा। ये आज का से एक में गोल्ड में आपको 5 मिला, बाकी 28 करेंसी पेयर्स जो है उनमें सारे में ट्रेड करेंगे तो दिन में आपको 40, 50, 60 सिग्नल्स मिलेंगे सभी करेंसी पेयर्स पर। स्कैल्पिंग करना है, जल्दी जल्दी निकल जाना है, तो उस तरीके से आप 15-20 दिन के अंदर वो बोनस जो मिलेगा वो आपका होगा। अगर आप इससे अकाउंट क्रिएट करते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, इससे अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको मैं इस स्ट्रैटेजी में, जो आज वीडियो लंबा होने के कारण नहीं बता पाया, वो अन्य करेंसी पेयर्स पर कैसे ट्रेड करना है वो आपको मैं सीक्रेट शेयर करूँगा। आप अकाउंट क्रिएट करने के बाद इस ईमेल पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।